नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम कुछ स्टॉक के शेयर प्राइस देखते हैं किस तरह से आज जो उस परफॉर्म किया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो आज जैसे ही आज ये मार्केट ओपन हुआ, ये 67.05 रुपीज़ में ओपन हुआ था, तो और क्लोजिंग होते होते उसका रेट 71.35, मतलब 5.10 रुपीज़ का इंक्रीज देखने को मिला। तो जो भी स्टॉक में ट्रेडिंग किए होंगे, अगर सही टाइम पे एग्जिट किए होंगे तो डेफिनेटली अच्छा रिटर्न उनको मिला होगा। तो मतलब देखा जाए तो उतना अच्छा इसका परफॉर्मेंस नहीं रहा है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं पिछले 5 दिन के हिसाब से भी ये 7 पॉइंट वही सेम रेट में इंक्रीमेंट दिखा रहा है, और पिछले 1 महीने में अब बहुत ही अच्छा रिटर्न अपना इन्वेस्टर को बना के दिया है, जो कि 20% है। बहुत ही अच्छा रिटर्न बनाया है, और 6 महीने का भी एक बार देख लेते हैं, 34% का रिटर्न, बहुत बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड किया है। और हम लोग 1 ईयर का अगर देख ले तो नहीं, 1 ईयर में ये डाउन ही दिखा रहा है, मतलब 1 साल में इसका जो प्राइस से ऑलमोस्ट सेम एक ही लेवल में मेंटेन होके रहा है, और 5 ईयर का रिटर्न में भी उतना खास कुछ अच्छा रिटर्न नहीं बना के दिया है वो, बल्कि ये लॉस ही अपना इन्वेस्टर को लॉस भी बना के दिया है। लेकिन इसका मार्केट कैपिटल देखें तो बहुत ही अच्छा मार्केट कैपिटल 24.78 ट्रिलियन करोड़ का है। तो दोस्तों चलिए हम अपना अगले शेयर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा चलते हैं जो कि हमारा है, हम देख लेते हैं टाटा पावर का शेयर प्राइस क्या है आज के डेट में, देख लेते हैं आज कैसा परफॉर्मेंस दिया। तो टाटा पावर आज के दिन में ओपनिंग हुआ था 219.30 रुपीज़ में, और क्लोजिंग 220.80 रुपीज़ में हुआ है, मतलब सिर्फ 1.80 रुपया इंक्रीज हुआ है। चलिए इसका 5 डे का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, कोई ज़्यादा मतलब उतना फ्लक्चुएशन नहीं हुआ शेयर प्राइस में। 1 महीने में ये 2.55% का हाइक दिखा रहा है, और 6 महीने में ये लॉस ही दिखा रहा है, और अगर 1 साल का रिटर्न देखा जाए तो भी ये टाटा पावर 2% लॉस में ही दिखा रहा है, और 5 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न ये अपना इन्वेस्टर को बना के दिया है। तो इससे देखा जाए तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, हमेशा इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न बना के देता है। बहुत ही अच्छा मार्केट कैपिटल 70.52 ट्रिलियन करोड़ का मार्केट कैपिटल, बहुत ही, और पी रेशियो भी बहुत अच्छा है जो कि 32.82 है। तो लेकिन आज के दिन में ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस परफॉर्म नहीं किया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सरप्राइज देखते हैं हमारा ट्राइडेंट का, ट्राइडेंट लिमिटेड। तो इसका अभी जब मार्केट आज दिन में ओपन हुआ तो ये 35.70 रुपीज़ में ओपन हुआ था, और क्लोजिंग होते होते वो 35.35 रुपीज़ में क्लोजिंग हुआ। तो उतना कुछ एक ही लेवल आप देख सकते हैं कि एक ही लेवल ही मेंटेन कर रहा है, ज़्यादा कुछ फ्लक्चुएशन इसमें देखने को नहीं मिला। 5 डे में भी वो अपना वही लेवल मेंटेन करके बैठा है, और 1 महीने पे भी ये ऑलमोस्ट सेम लेवल में ही बैठा है। चलिए 6 महीने का रिटर्न देख लेते हैं, वो 6 महीने का इसमें ट्राइडेंट में लॉस ही दिखा रहा है, और 1 ईयर का में भी -11.40% का लॉस ही दिखा रहा है, और 5 साल में देखा जाए तो 5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। आप देख सकते हैं 255%, मतलब बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब अगर 27 अक्टूबर 2017 को इसका प्राइस 9.94 रुपीज़ में चल रहा था, और सिर्फ 5 साल में ये बहुत ही अच्छा 255% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, जो कि बहुत ही अच्छा, मतलब जो 5 साल में पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा उसका आज के डेट में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल गया होगा। चलिए हम अपना अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, जो कि अदानी पावर लिमिटेड। तो ये जो अदानी पावर लिमिटेड का जो ओपनिंग था मॉर्निंग 9:15 में, इसका 338.68 में ओपन हुआ, लेकिन कुछ देर ही बाद ये शेयर नीचे चलने लगा, और एक लेवल मेंटेन भी यहाँ पे करने को आपको देखने को मिल रहा होगा, और क्लोजिंग होते होते ये 333.80 में क्लोजिंग हुआ, मतलब माइनस
1.75 लॉस हो गया, इसमें लॉस दिखा रहा है। चलिए इसका 1 मंथ का रिटर्न भी नेगेटिव माइनस 8.92% का लॉस हुआ है। तो 6 महीने में हाँ ये प्रॉफिट दिखा रहा है 16.86% का, लगभग 48 रुपीज़ का प्राइस हाइक हुआ है। और चलिए देखते हैं 1 ईयर में, अगर जिसने ये तो 1 ईयर में बहुत ही अच्छा शेयर प्राइस मतलब 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया, डबल से भी ज़्यादा। आप देख रहे होंगे 1 ईयर में जो मतलब 26 अक्टूबर 2021 में इसका शेयर प्राइस 112.20 में चल रहा था, और आज के डेट में 333.80। मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर होंगे एक साल से अपना इन्वेस्टमेंट इसमें डाल रहे होंगे तो बहुत ही अच्छा उनको रिटर्न मिल गया है। चलिए इसका 5 ईयर का रिटर्न एक बार देख लेते हैं। वह 5 ईयर में तो बहुत भी बेहतर रिटर्न ये अपना इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टर को बना के दिया है। 922% का मतलब हाइक देखने को मिला है इसमें। मतलब जो 5 साल पहले मान लो कि 27 अक्टूबर 2017 को जो शेयर प्राइस 32 रुपीज़ था, आज के डेट में 333, मतलब बहुत ही ह्यूज रिटर्न ये अपना इन्वेस्टर को बना के दिया है। तो चलिए अब हम लोग आज का निफ्टी 50 का क्या हालचाल है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों उतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, 17,656.35 में ये निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है। तो उतना आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है ये एकदम फ्लैट दिखाई दे रहा है, उतना कुछ मतलब ज़्यादा डिप भी नहीं गया और ज़्यादा अप भी नहीं गया, लेकिन फिर भी क्लोजिंग होते होते थोड़ा इसमें डाउनफॉल देखने को मिला। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो ओपन हुआ तो 17,808.30 में ओपन हुआ और क्लोजिंग होते होते इसका प्राइस 17,640.25 में क्लोज हुआ, तो -74.40 का लॉस इसमें दिखा रहा है, डाउन दिखा रहा है। तो उतना ज़्यादा शायद ये रिसेशन की वजह से, स्टॉक यूएसए के रिसेशन की वजह से ये शो ऐसा मतलब निफ्टी का हाल है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वीडियो कुछ स्टॉक का आज का कैसे परफॉर्मेंस किया हम देख लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।